हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल में फुल स्क्रीन ऐड से परेशान है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आज की इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसमें 110% आपका ये जो डिस्प्ले में एडवर्टाइजमेंट आता है, ऐड आता है, ये बंद हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ, एकदम 100%। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये ऐड जो है बहुत ही डिस्टर्ब करता है। जैसे हम लोग कुछ भी पेमेंट करना होगा गूगल पे से, या तो यूट्यूब देखते हैं, या तो फिर हम लोग व्हाट्सएप से चैट करते हैं, जिसमें बीच बीच में आपका ये ऐड आ जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज का सेटिंग्स पे इस ऐड को पूरा परमानेंट एकदम हटाएंगे हम लोग, परमानेंट इसको बंद करेंगे। पहले हम लोग मोबाइल स्क्रीन में आएंगे, और मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद सबसे मेरा काम है पहला कि तीन सेटिंग होगा। तो तीन सेटिंग में सबसे पहला सेटिंग देखिए, जैसे अभी ऐड आ गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, जैसे वीडियो बना रहे हैं फिर बीच में ऐड आ जा रहा है। तो इसको बंद करने के लिए एकदम परमानेंट सोल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग मोबाइल स्क्रीन में जाएंगे, और स्क्रीन में जाने के बाद सबसे काम मेरा पहला है, हमको सेटिंग में जाना है। जैसे हम लोग सेटिंग को टच करेंगे, टैप करेंगे, आपका इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें हमको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे खोजना है ऐप्स, ठीक है। जहाँ हमको ऐप्स मिल जाएगा, ऐप्स को हम लोग क्लिक करेंगे, ऐप्स को टच करेंगे। ऐप्स को जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐप है, ऐप्स लिखा हुआ है, ऐप्स को हम लोग टैप किए हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, आपका लास्ट सेकंड लास्ट में परमिशन में टैप करेंगे। परमिशन में टैप करने के बाद हमको सिर्फ इससे सेकंड लास्ट मिलेगा, अदर परमिशन में टैप करेंगे। अदर परमिशन में टैप करने के बाद देखिए, सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है फाइव परमिशन, इस पांच को परमिशन जो दिया हुआ है, इस परमिशन को हमको बंद कर देना है। फाइव जो परमिशन है उसको बंद कर देना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे आपको कोई लोगो नहीं रहेगा, ओनली फॉर लिखा हुआ था फाइव परमिशन, याद रखिएगा। इसको हमको एक एक करके डिनाई कर देना है, जो अलाउ किया हुआ था सारे को डिनाई करना है। इस तरह से हम लोग डिनाई कर देंगे एक एक करके। फिर डिनाई करने के बाद फिर हम लोग बैक आएंगे, फिर से हम लोग इसमें बैक में जाएंगे, ठीक है। बैक में आए, फिर और एक बार बैक आना है, फिर से बैक आना है। अब हम लोग को इसमें खोजना है गूगल। नेक्स्ट सेटिंग, जो पहला सेटिंग हम लोग का एप्लीकेशन का हो गया, ऐप्स का हो गया। अब सेकंड सेटिंग में हम लोग जाएंगे, गूगल को खोजेंगे, जहाँ पे गूगल मिलेगा हमको, ठीक है। उस गूगल को हम लोग टैप करेंगे। जैसे गूगल को टैप करेंगे तो गूगल को जब खुलेगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे आपका क्या रहेगा कि आपका जो भी आईडी से लॉगिन है वो आपका मेल आईडी दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको जाना है ऑल सर्विस पे। जैसे हम लोग का यहाँ पे ऑल सर्विस पे जाएंगे तो मेरा क्या होगा कि कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस में हमको खोजना है यहाँ पे डिवाइस में कि ऐड, ठीक है। जहाँ पर भी ऐड है उस ऐड को हम लोग को सर्च करना है, खोजना है। जैसे ऐड मिलेगा उस ऐड को हम लोग को फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग का यहाँ पर इंटरफेस आएगा, जहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिसेट एडवर्टीजमेंट आईडी को हम लोग को कंफर्म कर देना है, जहाँ पे रिसेट हो जाएगा एडवर्टीजमेंट। और नीचे जो लिखा हुआ है डिलीट, उसको भी हम लोग को जाके यहाँ पे डिलीट कर देना है। दो चीज़ हम लोग कर दिया है यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तीसरा सेटिंग में। तीसरा सेटिंग में हमको जाना है गूगल क्रोम में, जो भी आपका ब्राउज़र है, क्रोम को खोलना है, ओपन करना है। जैसे ही आपका क्रोम खुल जाएगा तो राइट साइड में ऊपर में जो कॉर्नर पे एरो निशान मिलेगा, या तो थ्री डॉट का निशान मिलेगा, उसमें जाएंगे। उसमें जाके सेटिंग्स में जाना है। जैसे हम लोग सेटिंग पे टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे हम लोग को जाना है आपका साइट सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, साइट सेटिंग्स पे हम लोग जाएंगे। साइट सेटिंग में जैसे आपका टैप करेंगे, टच करेंगे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें हम लोग को खोजना है सेटिंग्स पे पॉपअप रिडायरेक्ट, ठीक है। पॉपअप रिडायरेक्ट पे हम लोग टैप करेंगे। यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, नीचे पे रहेगा आपका पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट। यहाँ पे जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अलाव है उसको फिर बंद करना है, फिर सबको ऑन कर देना है। ये ऑन होना चाहिए, वो मे भी आपका ऑफ होगा, इसको फिर हम लोग बंद और मतलब ऑन और ऑफ कर देना है। ऑफ फाइनली हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर से हम लोग बैक आएंगे, और बैक आने के बाद हम लोग फिर से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमको यहाँ पे सर्च कीजिएगा DNS, ठीक है। DNS जैसे हम लोग DNS सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका, जहाँ पे हम लोग को सेकंड स्टेप में जाना है प्राइवेट DNS। प्राइवेट DNS में जैसे हम लोग टैप करेंगे, टच करेंगे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे हमको लिखना है यहाँ पे जाना है प्राइवेट में, और आपको यहाँ पे सर्च करना है dns.edgar.com, इसको लिख के हमको यहाँ पे सेव कर देना। लेकिन ये आपका नहीं लेगा अगर इन केस, तो यहाँ पे हम लोग खाली DNS लेके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे पहले कि dns.edgar.com करके हम लोग पहले करेंगे, नहीं लेगा तो DNS लेके हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको सेव कर देंगे,
ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग इसको जैसे DNS लेके सेव करेंगे तो आपका ये जो है जितना भी एडवर्टाइजमेंट होता है आपका सारा बंद हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि DNS लेके हम लोग जैसे सेव किए, सेव करने के बाद मे भी आपका हो सके यूट्यूब में भी हो सके कि यूट्यूब आपका सर्च ना हो, सर्च में नहीं आए, तो फिर आपको DNS को हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से आपका ऐड जो है बंद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मोबाइल को में जाएंगे और मोबाइल को एक बार हमको स्विच ऑफ और ऑन कर लेना है, रिबूट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये फंक्शन है, ये जो ऐड जो भी आ रहा था वो सारा बंद हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।